गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं हरिओम मीना, प्रोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा राजस्थान। आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स EL 205 और CS 205 के टॉपिक है रिंग काउंट, उसके रिंग काउंट की जो सर्किट है उसको हम आज इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो इसमें हम रिंग काउंटर है जो एक तरीके से आपका जो आपका सिक्वेंशियल सर्किट है, इस सिक्वेंशियल सर्किट के अंदर हम रिंग काउंटर की जो ट्रुथ टेबल है उसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसकी वेरीफाई करने से पहले हम रिंग काउंटर है, रिंग काउंटर की ये आपके पास में ट्रेनर किट है, ये ट्रेनर किट है। ठीक है, इसमें यहाँ से हम पल्स देंगे, पल्स स्विच है, उसके बाद में इसको हम सबसे पहले रीसेट करेंगे, तो पुश टू रीसेट कर देंगे, उसके बाद इसको हम स्टार्ट कर देंगे पुश टू स्टार्ट के द्वारा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इसके अंदर जो ये ट्रुथ टेबल है करेंगे, ये जो ट्रुथ टेबल है इस ट्रुथ टेबल को हम मतलब इसको हम वेरीफाई करेंगे। तो इसमें जब स्टेट जीरो रहेगी तो ये आपका जो इसकी LED है वो QA वाली चलेगी। उसके बाद इसमें जैसे ही हम पल्स देंगे, जो पल्स से स्विचर है उसके द्वारा पल्स देंगे, तो ये जो QA पे जो 1 था वो QB पे चल जाएगा, और QB वाला जो 0 है वो QC पे चल जाएगा, और QC वाला 0 यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, QD पे चल जाएगा। इसी तरीके से दूसरी पल्स देंगे तो यहाँ वाला 0 यहाँ चल जाएगा, 1 वाला यहाँ पे 1 चल जाएगा, ये 0 यहाँ पे चल जाएगा, और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, जैसे आपकी रिंग होती है तो रिंग का जैसे नगीना होता है तो उसी वो चारों तरफ से घूमता रहता है, इसी तरीके से इसमें जो रिंग है उसमें ये LED इसके चारों तरफ घूमेगी, इसलिए इसको रिंग काउंटर कहते हैं। ठीक है, तो इस रिंग काउंटर को करने के पहले हम सबसे पहले सबसे पहले इसका ऑन करते हैं, ये अपने ऑन कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद में क्या करूँगा, इसको आपका इसमें से वो लगाऊंगा, इससे कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो कनेक्शन करने के लिए ये इसका एक पल्स देने के लिए काम आएगा, ये पल्स, उसके बाद में ये पल्स है, पल्स है आपके ये रिंग काउंटर के सर्किट में गई, रिंग काउंटर के उसके बाद ये इसका आउटपुट है, आउटपुट इंडिकेटर्स। तो ये Q1 Q2 Q3 Q4, इसमें जो Q1 Q2 Q3 Q4 जो दिख रहा है ये QA QB QC QD उनके करस्पॉन्डिंग है, और जो ये आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट आपका इस LED पे आएगा। ठीक है, तो अब इसमें हमने सबसे पहले कनेक्शन कर दिया, कनेक्शन करने के बाद में ये आपका QD का कनेक्शन हो गया, QD का आपका कनेक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये जो लाइट आई है ये इलेक्ट्रिक सप्लाई 220 वोल्ट आई है, ये ट्रांसफार्मर लग रहा है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लग रहा है, ये जो 220 वोल्ट है उसको ये कम कर देगा, मतलब इसकी जो रिजल्ट वैल्यू है उस पर कम कर देगा। और ये आपका बाइसिंग में हो गया सर्किट, बाइसिंग में मतलब इसमें क्या होगा कि इसको हमने ग्राउंड वोल्टेज और इसको जो हायर वोल्टेज वो लगा दी, इसमें यहाँ से हमने पल्स लगा दी, इसके बाद हम इसको ऑन करेंगे, ये ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसको पूरे से रीसेट करूँगा। तो रीसेट करने के मैं क्या करूँगा, पुश टू रीसेट जो इसकी जो की है उसको मैं दबाऊँगा, तो ये आपका हो गया रीसेट। अब मैं इसको स्टार्ट करूँगा, तो स्टार्ट करने के लिए मैंने ये आपको स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद मैं इसमें से पल्स दूंगा, तो पल्स ये पल्सर स्विच है, तो मैंने ये की है पल्स दी, तो ये आपका ये 1 आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ का जो 1 था वो यहाँ पर चलेगा, और जो यहाँ की 0 थी वो यहाँ पर चलेगी 0, और यहाँ की 0 यहाँ पर चलेगी, और यहाँ की 0 यहाँ 0 आ गया। ठीक है, अब मैं अगेन दूंगा तो ये आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये मतलब ये वाली जो यहाँ की 0 यहाँ पर, यहाँ का 1 यहाँ पर चला गया, और यहाँ की 1 है, यहाँ का जो 0 थी वो 0 पर चली गई। ठीक है, इसी तरीके से मैं अगेन पल्स दूंगा तो ये आपका सॉरी ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये Q1 Q2 Q3 Q4 तो ये आपके मतलब 1-1 वाली जो ट्रुथ टेबल है वो वेरीफाई हो रही है, और ये 1-1 आपका आगे की साइड राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो रिंग काउंटर है ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखो आप ये रिंग की तरह एक तरीके से रिंग में रोटेट कर रहा है, तो इसलिए इसको अपन बोल रहे हैं रिंग काउंटर, रिंग काउंटर। ठीक है, इस तरीके से आपका जो रिंग काउंटर का सर्किट है वो हमने ट्रुथ टेबल के द्वारा वेरीफाई कर दिया।